नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बीबी नेटवर्क में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है मुंबई की राजनीतिक क्षेत्र में और मुंबई की फिल्मी दुनिया में। पहले सर को खिलाइए, सर का बेटा। रविंद्र त्रिवेदी जी तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और कट्टर, मतलब कट्टर नेता के नाम से जाने जाते हैं। हिंदू संगठन से बोलो या बीजेपी में जब कुछ नहीं था तब रविंद्र त्रिवेदी जी मुंबई अध्यक्ष थे, मुंबई उपाध्यक्ष सॉरी। और उसके बाद कुछ उनका विवाद हो गया इसके हिसाब से वो शिवसेना में गए, लेकिन शिवसेना में उनका दिल नहीं लग रहा था। बोले उधर कुछ जो उत्तर भारतीयों को इज्जत वहाँ सम्मान मिलता नहीं है, इस हिसाब से उनका भी इच्छा था कि वापस घर वापसी करें। और बीजेपी में उन्होंने वापस प्रवेश लिया और बहुत अच्छे संख्या में प्रवेश लिया और उनको महाराष्ट्र सचिव पोस्ट पे भी उनको पोस्ट दिया गया है। हालांकि इनका जन्मदिन मुंबई में भी मनाया गया बहुत धूमधाम से, काफ़ी जगह, लेकिन यहाँ वसई विरार में आपके नेतृत्व में जन्मदिन मनाने का क्या राज था, क्या कारण था, क्या कहना चाहेंगे? हमारे द्विवेदी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और यहाँ इनकी पकड़ बहुत अच्छी है। नाला सपरा विधानसभा 132 में इनकी पकड़ बहुत अच्छी है, इनकी संगठना यहाँ बहुत मजबूती से है। इस हिसाब से इनका भी इच्छा था कि भाई जहाँ से वापस स्टार्ट किए थे वापस यहीं से शुरुआत करें हम लोग। इस हिसाब से हम लोग एकजुट होकर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए नाला सपरा से स्टार्ट चालू किया हम लोग ने। रविंद्र द्विवेदी जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आपका जन्मदिन है, कितनी खुशी हो रही, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे दोस्त ही इष्ट मित्र आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब हम खुशी होती है तो खुशी होना ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने जो हमारे मित्र संजय पांडे से बात किया कि आप यहाँ पे जन्मदिन क्यों मनाएं, तो मैं वो शायद संकोच कर रहे हैं, उनकी इच्छा है ये विधानसभा से इलेक्शन लड़ने की, चुनाव लड़ने की इच्छा है और हम लोग पूरी ताकत के साथ, और मेरा मेन मुख्य उद्देश्य आज यहाँ पे आने का यही था कि मैं संजय पांडे को भरोसा दिलाऊं कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ में हैं। और पूरा संगठन विश्व हिंदू सेवा संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जितने मेरे कार्यकर्ता हैं, आपके साथ में हैं, आपके सहयोग में हैं और आप उम्मीदवार के लिए आगे बढ़िए, हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ पूरी शक्ति के साथ काम करेंगे और आपको चुनाव जीता के लेके आएंगे। तना दिन भर का किस तरह का कार्यक्रम रहा आपका, कहाँ कहाँ आपने किस तरह से कार्य? अब देख, उसमें पूरे देश में संगठन के लोग अपने अपने तरीके से जन्मदिन मेरा मनाते हैं, वो पूरे देश में था। क्या हुआ संजय से, अभी अपने सवाल दे रही है, उत्तर भारतीय को शिवसेना में सम्मान नहीं मिलता है,
आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में वैदिक जन समुदाय आपने जुड़े थे, साधु संतों ने जमा किए थे आपने, तो इतना होने के बाद आपको शिवसेना क्या दिक्कत हो रही थी क्या? नहीं किस दृष्टि आपके नहीं, क्या होता है जब हम किसी घर पे नए घर पे जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि सम्मान नहीं मिलता है, मुझे उचित सम्मान मिला, ये बात गलत है बोलना कि शिवसेना में सम्मान नहीं मिलता उत्तर भारतीयों को, मगर एक होता है ना कि हमारा जिस घर पे हम पैदा होते हैं और हमें उस घर से दूसरे घर में अगर हम स्थानांतरित किए जाते हैं तो थोड़ा एक संकोच होता है, और जिन लोगों की वजह से मैं शिवसेना में गया था उन लोगों ने क्या किया, मेरा साथ छोड़ दिया। मतलब कोई हुआ था आपने अगले इलेक्शन में तो शिवसेना में आपने प्रवेश किया था, आपको इतना वहाँ जाने की जरूरत क्या पड़ा, इतना बड़ा संगठन है, आपने इतना धर पकड़ा है तो अपना विरार वसई में, तो वहाँ जाने की आपको क्या कितना जरूरत पड़ा था कुछ उस समय? ऐसा कुछ माहौल हो गया था, कुछ बातें होती, आदमी अपने घर से रुष्ट हो जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं वहाँ पे शायद सफल हो जाऊँ, मगर जब जाता है दूसरी जगह तो वहाँ पे भी एडजस्टमेंट नहीं होता है, तो वो सोचता है कि चलो मैं मेरे घर पे ही सही हूँ। तो परिस्थिति थी कुछ ऐसी बीजेपी के साथ मेरे और बीजेपी के साथ में कि मुझे मजबूरन यहाँ से पलायन करना पड़ा, और मैं सोचा, और आपको मैं बता दूँ, शिवसेना और भाजपा या उत्तर भारतीय और मराठी का संबंध ऐसे भले हम लोग खिंच खिंच करें मगर एक मौसी और आई का संबंध है, ना मराठी उत्तर भारतीयों से अलग रह सकते हैं ना उत्तर भारतीय मराठियों से अलग रह सकते हैं। अच्छा, आगे की रणनीति, अभी वसई विरार में कोई प्रदीप शर्मा का नाम चल रहा है, कोई संजय पांडे जी का, तो अन्य अदर लोग का है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी टिकट है, टिकट के दावेदार के सबसे तो पक्ष प्रवेश किया? देखिए, राजनीति में ऐसा होता है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं मैदान में उतरूँ। अब अगर शर्मा जी को यहाँ पे टिकट देती है पार्टी या युति के साथ उम्मीदवार शर्मा जी आते हैं तो हम शर्मा जी के लिए काम करेंगे, मगर हमारी इच्छा ये है कि हम संजय पांडे को आगे बढ़ाएं और संजय पांडे के लिए काम करें। संजय जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि आपके लिए रविंद्र द्विवेदी जी खुला समर्थन आपको दे रहे हैं, अपेक्षा भी आप चुनाव लड़ें, तो क्या कुछ तैयारियाँ आपकी तरफ से चल रही हैं, क्या लगता है अगर पार्टी आपको मौका देगी तो यहाँ पर भाजपा का परचम लगाने में आप कामयाब रहेंगे? यहाँ तो तैयारी चालू है, जैसे ग्राउंड लेवल पे बेस पे सब प्रोग्राम वगैरह रखना, मीटिंग करना, बूथ शक्ति प्रमुख, ये सब मीटिंग चालू है, और मेरे को हर समाज का सपोर्ट है, जब मराठी में ओबीसी बोलो मराठी में आते हैं, फिर क्रिश्चियन में अल्पसंख्या में क्रिश्चियन और मुस्लिम आते हैं, मारवाड़ी राजस्थानी, हर समाज से मेरे को सपोर्ट है, और उन्होंने मेरे को बोला कि भैया आप तैयारी करो, हम लोग सब समाज पूरा मिलके एक साथ होंगे, उसमें कोई जाति भेद नहीं, सब लोग मिलके अपने को भाजपा आना है, ये हिसाब से मेरे को सब बोले हैं। तो द्विवेदी जी, चुनाव के जस्ट नज़दीक आपने पार्टी ज्वाइन की है भाजपा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी चुनाव लड़ने की फिराक में हैं या कुछ ऐसा? मैंने बताया, हर व्यक्ति जो पार्टी में राजनीति में आता है तो उसकी हर आदमी की एक इच्छा होती है कि मैं कुछ बनूँ, MLA बनूँ, मंत्री बनूँ, तो हर व्यक्ति ये स्वाभाविक, हर व्यक्ति के अंदर ये इच्छा रहती है। आपके अंदर क्या इच्छा है, MLA बनने का कि MP बनने का या मंत्री बनने का? अभी ये वक्त बताएगा और जल्दी मालूम पड़ेगा आपको। वैसे यूपी की बात करें तो बहुत ही मजबूत बेस आपका यूपी में भी है, तो क्या माना जाए वहाँ के आगामी विधानसभा चुनाव में आप भाग लेंगे? जी, तैयारी चालू है, बाकी पार्टी देखेगी। एक सवाल और, आज आपका जन्मदिन है, अगर कोई प्रतिज्ञा आपको लेनी हो कुछ खास काम करने के लिए, कुछ समाज सेवा का काम करने के लिए, तो आज के दिन आप कौन सा प्रतिज्ञा लेना चाहेंगे? नहीं, मैं प्रतिज्ञा जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश के सभी वर्ग के लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि देश सर्वप्रथम है, जाति प्रदेश की राजनीति छोड़ करके राष्ट्र हित के लिए हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, जब तक हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए सबसे पहले हमें अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और उसकी संपन्नता के लिए काम करना चाहिए। सर, उसके साथ ही मेरा एक सवाल है, आज महाराष्ट्र में तमाम पार्टियों ने, बीजेपी शिवसेना के अलावा तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियां, सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये उनकी हताशा है, क्योंकि जब तक वो लोग सत्ता में थे तभी तक EVM सही थी, पब्लिक नाराज हुई तो वापिस उसी लूटपाट को लाना चाहते, उनकी गुंडागर्दी बंद हो गई EVM के चक्कर में, तो EVM हटने से केवल लूटपाट होगी, जिस तरीके से पहले बूथ कैप्चरिंग का काम होता था उसी तरीके का फिर कैप्चरिंग का काम चालू होगा, राजनीति एकदम
निचली स्तर में चली जाएगी, इसलिए दुनिया हमारे ईवीएम को सराहना करती है और हम अपने आप को आगे बढ़ने के बजाय पीछे खींचने का काम करते हैं। ये सत्ता जाने की हताशा है और कोई कारण नहीं। उत्तर भारतीय आणि मराठीचा हा प्रेम आहे, उत्तर भारतीचा आणि मराठीचा। माझ्या तर्फ्याने रवींद्र के दिर्वेदींना हार्दिक शुभेच्छा आहे, जन्मदिवसाचा हार्दिक शुभेच्छा। हमारे तरफ से रवींद्र के द्विवेदी जी को जन्मदिन पे हार्दिक शुभेच्छा। अच्छा, तो उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं हमारे अल्पसंख्यक की तरफ से और इंडस्ट्रियल सेल की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की पूरे टीम की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से द्विवेदी जी को उनके जन्मदिन की खूब खूब बधाई। और इसी तरीके से वो बीजेपी में अब आए हैं और काम करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद तो है। आप सर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे संजय जी के पार्टी पे आप आए हो? रवीन भैया को जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही रवीन भैया पार्टी में अपने साथ आए हैं, वैसे इतना जोश किसी के पास नहीं है जितना जोश इनके पास है। और इन्होंने बहुत सारा पहले भी काम किया है, हम लोग ने अपने आंखों से देखा, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपन साथ में काम किए हैं। तो इसके साथ बहुत ढेर सारी बधाई देंगे और इनसे हमें अपेक्षा है कि हमारे साथ खड़े उतरेंगे। मी खूप वर्ष शिवसेनेमध्ये काम केलेलं आहे आणि मी जय महाराष्ट्र जनरल कामगार सेनेमध्ये कार्याध्यक्ष होतो महाराष्ट्राचा। पण एक म्हणतात ना की एक व्यक्तिमत असतो कोणाचं, की कोणाला खुले मनाने काम करायचं असते, तर मोदीजींचा जो व्यवहार आहे, जो काम करण्याचा सिस्टम आहे त्यांच्या पक्षाचा, भाजप परिवाराचा, जो ब्रेकिंग कवरेज चल रही थी सारे चॅनल पे, आज जो हालात आहे जम्मू कश्मीर के, अमरनाथ यात्रियों को वापस जाने की सलाह दी गई है खतरा देखते हुए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आप भी होगी सरकार के प्रति और दर्शनार्थियों के प्रति? अगर सरकार ने ऐसा कुछ निर्णय लिया है तो सरकार ने समझदारी से कुछ निर्णय लिया होगा, कुछ उनके पास ऐसे इनपुट होंगे सरकार के पास, जिसकी वजह से उन्होंने बोला है कि आप वापस अपने घरों पे जाइए। क्योंकि सरकारों की मेन जो जवाबदारी रहती है देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा की रक्षा करना उनका कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को निभाते हुए सरकार ने ऐसे आदेश दिए होंगे। पहले मैं अपने बड़े भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे खुशी बड़ी वाली बात यह है, उन्होंने जो कहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो, उन्होंने संदेश दिया सिर्फ राष्ट्र के नाम, न कोई जात, न कुछ, न कुछ, न मतलब, न कोई पार्टी, सबसे पहले राष्ट्र है, कोई किसी पार्टी का, जो उनकी सोच राष्ट्र के प्रति है उसके लिए तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोगों का भाई साहब ने जोश डबल कर दिया है, अभी हम लोग का जोश था कि हमारे संजय भैया 132 विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में आए, इन्होंने अपना समर्थन करके हम लोग का जो हौसला है वो एकदम से डबल क्या तिबल कर दिया, वो आसमान पर चढ़ा दिया। यहाँ तो जन्मदिन बहाना है, पार्टी को जिताना है, ऐसा कुछ चल रहा है रणनीति? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी को जिताना है, पार्टी को तो जीतना ही है। यहाँ से बीजेपी नाला सुबह रहा है, 132 विधानसभा से बीजेपी को किसी भी हाल में जीतना है। अब की बार कमल का फूल यहाँ पे खिलना है तो खिलना है, उम्मीदवार कोई भी हो, बशर्ते हमारे भाई साहब रहेंगे, तो 110% बीजेपी को यहाँ पे आना है।